इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जो नेक्स्ट चार्ट हमने आपके लिए बनाया है, ये 364 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे 2021 के अंदर। इनमें से 47% जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताल्लुक था उनका, पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ नहीं, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हो गया जी, यूसीपी हो गया, यूएमटी हो गया, यूईटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई। तो पंजाब के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लोकेट करती हैं ये उनसे थे। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट थे वो 20% थे। अब इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बलूचिस्तान के डोमिसाइल वाले भी हैं, केपीके के डोमिसाइल वाले भी हैं, पंजाब के भी हैं और इवन सिंध के भी हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नस्ट है, एयर यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमसेट है, कैद आज़म यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटी से 20% स्टूडेंट पास हुए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिंध की यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 14% है, केपीके की यूनिवर्सिटी से जो पास हुए हैं वो 7% हैं, और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से जो लोग पास हुए हैं वो हार्डली एक स्टूडेंट पास हुआ, तो उसको 0% के इक्वल हम लोग कर रहे हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के 7% है। तो ये है जी हमारे प्रोविंस वाइज यूनिवर्सिटीज़ का एक यू कैन से दैट प्रोग्रेस रिलेटेड टू द सीएसएस। अब हम में से जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे वो किस सूबे की यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हैं उनको आप देख लीजिएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी के 5% हैं जी स्टूडेंट जो इसमें इस एग्जाम में पास होते हैं।